Hi students, morning. So let us start once again with the inverse trigonometric functions. Now I got certain comments on, by the way, the personal number, and they said that sir, actually negative values mein kuch problem aa rahe hain, and negative values ya tan inverse mein ya cot inverse mein ya cos inverse mein. So I thought, let's, by the way, give you one single example of each function in positive as well as in negative. So I think that would be able to clarify your doubts. Then today, what extra we are going to do, we are going to study certain properties. Besides than this, there are certain more properties. So I'm going to tell you all those. Let's start. This video is going to be a bit more, you know, lengthier as compared to the usual version of around 30 minutes, because I've written certain questions, that is around 9 questions on the principal solution. Then I'm going to explain you the properties, and then certain questions, around 5 and 6 questions on the properties, and then furthermore there are another properties. Now, so let's start. अभी तक हम लोगों ने जो किया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, सबसे पहला वर्ड आता है cos इनवर्स रूट 3/2. सो दैट इज द क्वेश्चन, और हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है. ध्यान रखना दैट cos इनवर्स रूट 3/2. नाउ पहले तो आपको इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, दैट इज दैट साइन एंड cos दोनों के दोनों -π/2 टू +π/2 रन करते हैं. सो साइन इनवर्स वाला पार्ट विल बी -π/2 टू +π/2. Cos inverse part will be from 0 to pi, not from -π/2 to +π/2. So let's see one by one. सबसे पहले आता हूँ क्वेश्चन नंबर cos inverse root 3/2 पे. So let's write somewhere over here. So it will be cos inverse root 3/2. Now ideally what you need to do is very simple part. पहले आपको ये देखना है कि cos inverse का range क्या होता है. तो इसका range किस में आता है? 0 to pi के अंदर. Okay? इसका मतलब आपका आंसर 0 से पाए के बीच में ही आना चाहिए, उसके बाहर नहीं आना चाहिए. उसी को आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलोगे. सो कॉस एन रूट 3/2, तो ये पॉजिटिव है, करेक्ट. तो रूट 3/2 कॉस में कब आता है? इट्स सिंपल, ऑन 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज का मतलब होता है पाए बाय 6. सो आंसर विल बी पाए बाय 6. वाई? बिकॉज पाए बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्रीज, एंड इट इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 180. So that's all with the question number 1. Question number 2 पर आते हैं. Cos inverse -1/2. Cos inverse -1/2. Now when I am saying cos inverse -1/2, simple part, simple trick. सबसे पहले number check करो, sign को जाने दो. 1/2 number कब आता है cos के अंदर? 1/2 number आता है 60 degrees पे. 60 का मतलब होता है pi by 3. Problem is, आपका range है 0 to pi. इसके लिए एक सिंपल ट्रिक कर लो, यदि उतना आपको नहीं समझ में आया फर्स्ट लेक्चर में. पाए माइनस जो भी कोई आपकी डिग्री है, पाए माइनस जो भी आपकी डिग्री आई है. सो आपकी डिग्री कितनी आई थी 1/2 के लिए? कॉस के अंदर 1/2 आता है 60 डिग्रीज पे. 60 का मतलब होता है पाए बाय 3. ट्रिक क्या है? पाए माइनस पाए बाय 3 कर दो. सो पाए माइनस पाए बाय 3, करेक्ट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट इज पाई माइनस पाई बाय 3, बिकॉज 180 माइनस थीटा करते हो तो आंसर नेगेटिव में ही आता है. सो पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई विल बी 2 पाई बाय 3, एंड दैट्स ऑल इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ योर्स. सो ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन कॉस और सेक के आएंगे, सेक मतलब जो उल्टा भाई होता है कॉस का, सेक और कॉस के जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप सिंपल पाई माइनस जो भी कोई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है उसको माइनस कर दो, दैट्स ऑल. Let's take another example. Third, tan inverse minus root 3. इनमें कोई दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है. सिंपल देखो, tan के अंदर root 3 कब आता है? So let's write the question. Tan inverse minus root 3. Tan के अंदर root 3 कब आता है? Tan में root 3 आता है 60 degrees पे. 60 का मतलब होता है pi by 3, correct? Simple, minus pi by 3. क्यों? बिकॉज tan की आपकी जो सो कॉल्ड रेंज होती है, दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 वाले पार्ट के लिए. इज दैट राइट? नो. सी द फर्स्ट वीडियो एंड सी द प्रिंसिपल वैल्यूज, एंड वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा. सो इट विल लाई इन -π/3. दैट्स ऑल इज द आंसर. काम खत्म. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, tan इनवर्स 1 पॉजिटिव है तो बच्चों वाला गेम. What do you think is the बच्चों वाला गेम? 1 कब आता है tan theta पे? 45 पे. 45 का मतलब pi by 4, पॉजिटिव है तो आंसर pi by 4 हो गया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th.
cot inverse root 3. So let's write cot inverse root 3. ढूंढो cot inverse के अंदर root 3 कब आता है. Now cot inverse root 3 यदि आपको नहीं भी ध्यान आ रहा हो तो इसका उल्टा कर देना. tan inverse 1 upon root 3 कब आता है, 30 degrees पे. 30 का मतलब होता है pi by 6. ये पॉजिटिव ही है, सो राइट pi by 6. नेक्स्ट पर आते हैं, सिक्स cot inverse minus 1. ध्यान रखना वो पाए माइनस वाली ट्रिक केवल कॉस और सेक में ही लगाना, बाकी किसी में नहीं. वन कब आता है आपको नहीं मालूम पड़ रहा, कॉट उल्टा कर दो तो वन को उल्टा करोगे तो टेन ही रहने वाला है. सो दैट मीन्स दैट टेन इनवर्स माइनस वन, व्हेन आर यू गोइंग टू रिसीव टेन इनवर्स माइनस वन, यू आर गोइंग टू गेट टेन इनवर्स माइनस वन एट पाई बाय फोर. तो आंसर लिख देना क्योंकि माइनस साइन है, माइनस पाई बाय फोर. नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री. sec inverse 2 by root 3. Now आपको ऐसे करना नहीं अच्छा लगता सर, ये इसका क्या होगा, वेरी सिंपल, इसको उल्टा कर दो, cos inverse root 3 by 2. Now it becomes much more simpler. ध्यान रखना कर सकते हो, इट्स ऑफिशियली अ प्रॉपर्टी. Now root 3 by 2, cos में root 3 by 2 कब आता है, 30 degrees पे. 30 degrees का मतलब pi by 6, तो ये कितना हो जाएगा pi by 6 which is 30 degrees. Then let's move on to question number 8. Question number 8 is sec inverse minus 2. Sec inverse minus 2. मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, so let's write as cos inverse minus 1 by 2. Cos में 1 by 2 कब आता है? Cos में 1 by 2 आता है 30 degrees पे, नहीं 60 degrees पे. Cos में 1 by 2 आता है 60 degrees पे, so that means it will be pi by 3. लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये कॉस का वाला पार्ट है, मैंने कॉस ऑफ सेक में क्या बताया था पाई माइनस, तो आप क्या करोगे पाई माइनस पाई बाय थ्री, करेक्ट, थ्री पाई माइनस पाई इज टू पाई बाय थ्री, ये भी आ गया. देन कम्स नाइन्थ वाले पे आते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू बाय थ्री. तो ये हो गया कोसेक इनवर्स माइनस टू बाय रूट थ्री. How will you do this? Once again change it into sine inverse minus root 3 by 2. यदि आप सोच रहे हो ये minus sign ऊपर या नीचे, guys it does not matter. So sine में केवल root 3 by 2 कब आता है, 60 degrees पे. 60 का मतलब होता है pi by 3 minus, so minus pi by 3. That's all is the principal values. If you will check all these values will be absolutely right because they are lying in the range of your function, जो हमने first day में lecture किया था. That's all. So what is the trick? Cos और sec के function जब भी आएंगे, please change उनको ऐसे कर लेना. Pi minus. That's all. बाकी सबके लिए simple minus डालते जाओ value के आगे. That's all. So that's all done with the question number 9. Let's now move on to properties of inverse function and then let's move forward. So I'm rubbing this part off. यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो वंस अगेन एंड आई विल अगेन टेल यू. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना ये बहुत इजी चैप्टर है बिकॉज इनवर्स फंक्शन एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही वर्क करता है, बस उल्टा. दैट्स ऑल. मतलब उसमें जो आपका आंसर होता है वो यहाँ पर आपकी बार क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ नहीं होता. नाउ आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. साइन इनवर्स साइन थीटा, अब इसका मतलब ये मैंने उस दिन भी कमेंट्स में लिखा था, गाइस डू नॉट कट दिस, दैट्स द मोस्ट लोएस्ट काइंड ऑफ मैथ्स एनीबडी कैन टीच यू एंड आई एम नॉट वन अमंग्स देम, प्लीज डू नॉट कट इट. दिस इज द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू theta. If you take this sine inverse over there, it will become sine theta. LHS equals to RHS hence root. Got it? So sine inverse sine theta equals to theta. But kab? If theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. यदि आपका theta minus 90 से plus 90 के बीच में होगा, तभी आप ये लिख सकते हो. Otherwise, पहले आपको उसको change करना पड़ेगा. Now what am I saying? Is you will come to know from these questions, but let us first of all discuss these properties. Then coming on to the word cos inverse. Cos inverse cos theta bhi theta hi hone wala hai, lekin Lakshman Rekha,
इसके आगे मत जाना, जीरो एंड पाई के बीच में ही होना चाहिए. सो द फंक्शन शुड लाई बिटवीन जीरो टू पाई. नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड, टैन इनवर्स टैन थीटा, इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, बट इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. सर बट वाई हैव यू रिटन ओपन इंटरवल, बिकॉज ओपन इंटरवल के अंदर यदि आपने माइनस पाई बाई टू को मान लो मैंने ले लिया तो टैन 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड विच इज इन्फिनिटी एंड दैट्स द रीजन वाई. गॉट इट? सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी थीटा. कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू. यदि वैल्यू इसके बीच में आ रही है चलेगा, बट प्लीज ध्यान रखना थीटा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज साइन जीरो जीरो होता है, यदि मैंने उसका उल्टा ले लिया तो कॉस जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, सेक इनवर्स सेक थीटा विल बिकम थीटा इफ इट विल बिकम फ्रॉम और इट विल कम फ्रॉम जीरो टू पाई प्रोवाइडेड 90 मत लेना. क्यों? कॉस 90 जीरो होता है तो सेक 90 इन्फिनिटी हो जाएगा. देन कम्स कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा, ये बिंदास है, नो प्रॉब्लम, इन बिटवीन जीरो टू पाई बट विद अ ओपन इंटरवल. व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इंटरवल? जीरो इज नॉट अलाउड, पाई इज नॉट अलाउड. रीजन, जीरो इज अलाउड, पाई इज अलाउड. एवरी वैल्यू इन बिटवीन इज अलाउड एक्सेप्ट पाई बाय टू नॉट अलाउड. थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू अलाउड, पाई बाय टू अलाउड, बट जीरो नॉट अलाउड. थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू नॉट अलाउड, पाई बाय टू नॉट अलाउड. कॉस इनवर्स कॉस थीटा जीरो टू पाई जीरो अलाउड, पाई अलाउड, एवरी वैल्यू इन बिटवीन अलाउड. माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, एवरी वैल्यू इन बिटवीन अलाउड, बोथ ऑफ द नंबर्स इंक्लूडेड. ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट सेज साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री. सो लेट्स राइट साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री बाय माय राइटिंग अनदर ब्रैकेट. नाउ द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन थीटा. अब आमतौर पर बच्चों को लगता है डायरेक्टली सर थीटा. प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली डू दिस एंड लूज देयर मार्क्स. Please see whether this pi by 3 actually lies in this particular, you know, range which we have given. Minus 90 से plus 90 के बीच में क्या आपका 60 degree आता है? Of course, yes. And this is the reason why this particular function can be directly written as pi by 3. No problem. Okay. Let's move on to the second question. Cos inverse. Cos 2 pi by 3. Starting, please do not, you know, do these questions in a very hurried fashion. Do not write directly it is equal to 2 pi by 3. पहले क्या करोगे? 2 pi by 3 को चेक करोगे. 2 pi by 3 का, 2 pi का मतलब होता है 360. 360 upon 3 is 120. Range क्या है? 0 to 180. No problem. It is lying in between. So the answer will be 2 pi by 3. Simple. Let's move on to the third question. Tan inverse tan pi by 4. Let's check. Pi by 4 means 45 degrees. Minus 90 to plus 90. Settle it. So no problem. So answer is pi by 4. Because it is theta. Okay. और ये आपको राइट में रीजन में लिखना पड़ेगा टीचर, अदरवाइज नंबर आपके कट करेंगे. सो यू नीड टू राइट दिस दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ओवर द यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3. सर अभी बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आंसर आएगा सर 2 पाई बाय 3. फोर्थ, लेट्स चेक. 2 इंटू पाई इज 360. 360 अपॉन 3 इज 120. Directly write the answer. Let's check 120. Red flag. Not allowed. क्यों? Minus 90 to plus 90 है. ये आप कहाँ लेकर के घूम रहे हो इसको sin 2 pi by 3. अब क्या काम करना पड़ेगा? आपको इस नंबर को 2 pi by 3 को इसमें लेकर के आना है. अब यहां पर पहले आप ट्रिक सुन लो, दिमाग में जो आपके चलनी चाहिए. ये क्या नंबर है?
टू इंटू पाई मतलब 180, 180 इंटू टू इज 360 अपॉन 3 इज 120। सिंपल 180 में से अब क्या चीज माइनस करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 आएगा। तो सिंपल इसको ऐसे लिख देना, साइन पाई माइनस 60 डिग्रीज किया था आपने, 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। सर लेकिन आपने ये क्यों किया, याद करो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है, याद करो मैंने फर्स्ट डे आपको जो लेक्चर दिया था उस ट्रिक के हिसाब से, 180 इज अ इवन फंक्शन, नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो ऑफकोर्स साइन का ही होगा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव, सो नो प्रॉब्लम। तो यदि आपको इतना सब कुछ नहीं समझना तो वेरी सिंपल, 2 into 180 is 360, 360 upon 3 is 120, 120 लाने के लिए आप किससे इसको माइनस कर सकते हो, जो भी वो नियरेस्ट क्वाड्रेंट में आता है। 120 कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, फर्स्ट में नहीं, ये तो 0 से 90 का क्वाड्रेंट है तो इसमें नहीं आएगा, सेकंड में ऑफकोर्स ये सो सेकंड में आएगा, तो बस पाए माइनस 90 प्लस मत करना, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, सो इट्स मच मोर इजियर, 180 माइनस कितना करूं कि 120 आ जाए, 60 डिग्री को लिख दो पाई बाय 3। अब क्या करोगे, 180 माइनस पाई बाय 3, सो राइट लाइक दिस, सो दिस नाउ विल बिकम कितना, 3 पाई माइनस पाई विल बी 2 पाई बाय 3, तो इसको ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। सर तो अब क्या हो गया, चेक कर लो, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट नाउ बिकम्स व्हाट, दैट इज 2 पाई बाय 3। बट द प्रॉब्लम इज यदि आपने ये किया तो ये तो वापस से यही क्वेश्चन बन गया, सो नाउ वेरी सिंपल, यहीं पर ही देखो साइन 180 माइनस थीटा जो मैंने अभी आपको बताया था, साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा, तो इसका मतलब इसको लिख देना साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे ये 2 पाई बाय 3 कहां गया, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा, तो यदि ये साइन थीटा हो गया, नाउ पाई बाय 3 का मतलब होता है 60, व्हिच इज परफेक्टली फाइन क्योंकि वो इसके रेंज में आ रहा है, सो द आंसर इज पाई बाय 3, सो दैट्स डन। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, ढंग से देखना प्लीज, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। नाउ व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्रीज, 6 इंटू 180 30, 30 मतलब 6 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30, 30 इंटू 7 इज 210। कॉस का रेंज देखो 0 से 180 और ये कितना आ रहा है 210, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब ये आ रहा है आपके पास में 210, अब 210 को रफ वर्क में जाकर के एक बार क्वाड्रेंट पे देखो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, यही होता है क्वाड्रेंट। अब आप चाहो तो यदि आपने किया तो पाई प्लस, लेकिन पाई प्लस से 7 पाई बाय 6 आएगा नहीं, 180 प्लस कितना करोगे कि आ जाएगा, सो लेट्स चेक, 180 यदि मैंने प्लस किया, सो द प्रॉब्लम इज सी दिस, 180 प्लस 30 करना पड़ेगा, करेक्ट, 180 प्लस 30 करूंगा भी तो 180 प्लस 30 210 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है जो कि कॉस का क्वाड्रेंट नहीं होता है, वो नेगेटिव होगा, सो व्हाट डू यू नीड टू डू, वेरी सिंपल 2 पाई माइनस कर दो, 2 पाई मतलब 360 कर दो इसको, कैसे करोगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई 360 और यहां पर कितना है 6, 30, 30 इंटू 7 इज 210, 2 पाई माइनस व्हाट, क्या करूंगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। सर अब आपको ये कैसे मालूम पड़ा है 5 पाई बाय 6 का, इस ओरल एलसीएम 6 इंटू 2 12, 12 में से कितना माइनस करूंगा कि 7 आ जाए 5 पाई, आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूं 2 पाई माइनस, अब ये आपने ऐसे क्यों किया, कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है, चेक कर लो
कॉस 360 माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट कॉस का ही होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, दैट्स द रीजन व्हाई. सो दैट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 विल बी कॉस 5 पाई बाय 6. कैंसिल करोगे मतलब नॉट कैंसिल बट द प्रॉपर्टी इज 5 पाई बाय 6. सर लेकिन अभी आपने डायरेक्टली कैसे कट किया, 6 30 या 30 इंटू 5 इज 150 विच इज लाइंग इन द रेंज, दैट्स हाउ. सो ये फिफ्थ भी हो गया. अब आते हैं सिक्स वाले पार्ट पे. टैन इनवर्स, अच्छा तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है तो इसी के नीचे लिख देते हैं, 3 पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 का मीन्स होता है 40 डिग्री, 45, 45 इंटू 3 विल बी अप्रोक्सीमेटली 135, राइट, आई मीन 135 के आजू बाजू. सो यदि 135 है, लेट्स चेक 10, बट ये तो 90 के ऊपर नहीं जा सकता, तो अब फिर आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, यू नीड टू ब्रिंग दिस समवेयर इनटू दिस. तो कैसे करूंगा, टेन इनवर्स को टेन रहने दो, 3 पाई बाय 4 है मतलब 135, अगेन पाई माइनस, तो लेट्स डू. तो यहां पर मैंने करा टेन पाई माइनस पाई बाय 4. अब आपको कैसे मालूम पड़ा, पाई में से कितना माइनस करूं, देखो 4 पाई में से कितना माइनस करूं कि 3 पाई आ जाएगा, पाई माइनस करूंगा तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 कर दिया, करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर विल बी टेन इनवर्स टेन कैंसिल, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा टेन इनवर्स टेन 180 माइनस थीटा. व्हाट डू यू थिंक 180 माइनस थीटा विल बी, 180 माइनस थीटा विल बी व्हाट, दैट इज टेन थीटा वाला पार्ट, सो दिस विल बी व्हाट, टेन पाई बाय 4, करेक्ट. आई मीन टेन 180 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, शुड बी माइनस वाला पार्ट आएगा होपफुली, और नहीं, सो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4. That's all is the answer. It's done and set. Got it. So this is the part. This is how you are going to do these questions. So guys, please dhyan rakhna. Please inme garbadi mat karna. And correct me if I have done something wrong. Okay, now next wale part par aata hai. Main in wale properties ko aise chhod deta hu, keval in wale questions ko rakh kar deta hu. So let's see. को भी रब कर दो. ओके, लेट्स रब दिस. सो ये तो हो गए कुछ प्रॉपर्टी. अब कभी कभी आपके इसमें, ये नॉर्मली सीबीएसई में होता है, स्टेट बोर्ड में उतना नहीं होता है, बट स्टिल यदि हो गया तो प्लीज ध्यान रखना, द सेम प्रॉपर्टीज भी अलाउड होते हैं. साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स शुड बी इक्वल्स टू एक्स, कब, इफ एक्स शुड लाई फ्रॉम माइनस वन टू वन. वो जो फर्स्ट डे जो लेक्चर के अंदर जो डोमेन वाला पार्ट रखा हुआ था, बस उस वाले डोमेन को कॉपी करते जाना. जैसे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स शुड बी इक्वल्स टू एक्स इफ एंड अगेन. सो राइट द सेम वैल्यूज फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर गाइस. सो दिस इज गोइंग, दिस इज ऑल्सो बाय द वे राइट. ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नाउ. मतलब ये भी अलाउड होता है इसलिए बिकॉज इसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन ही हैं सारे. लेट्स से द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स कैन बी आल्सो रिटन एज कोसेक इनवर्स एक्स एंड दिस डज नॉट यू नो गो फॉर एनी काइंड ऑफ, आई थिंक दैट इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज साइन इनवर्स का उल्टा ही होता है, तो टेक्निकली यदि आपने साइन इनवर्स 1 बाय एक्स किया तो यू कैन राइट इट एज कोसेक इनवर्स एक्स. सेकेंड, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स शुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स उल्टा. थर्ड, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स शुड बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स. फोर्थ, sec inverse 1 by x should be equals to cos inverse x. नेक्स्ट पर आते हैं,
fifth. Tan inverse x should be equals to cot inverse 1 by x. Next, then comes cot inverse x should be equals to 1 by tan inverse 1 by x. साइन कॉस टेन हो गया, अभी कोसेक का तो ऑलरेडी हो ही चुका हूँ. सो दैट्स ऑल. सो रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. क्यों? बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आपके पास में कुछ ऐसे आएंगे, कोसेक इनवर्स 3/2. सो रिमेंबर यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज साइन इनवर्स 2/3. इट्स दैट सिंपल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये वाले प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना. नेक्स्ट पर आते हैं. अब कुछ एकदम सिंपल सिंपल वाले बच्चों वाले क्वेश्चंस, विच आर वेरी वेरी सिंपल. बट बिफोर दैट, अराउंड 2 and 3 फॉर्मूलाज. सो लेट्स सी. फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके लिए है, दैट इज टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई शुड बी इक्वल्स टू, और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही 11th वाला ही फॉर्मूला है. टैन इनवर्स, बस इनवर्स नहीं है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 minus xy. ओके, सेकेंड फॉर्मूला. एंड ये ऑफकोर्स कब आपका ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा? जब आपकी चीजें रेंज के अंदर आ रही होंगी, वो ध्यान रखना प्लीज. टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई शुड बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स x minus y upon 1 plus xy. So these values are also right. Now let's say that how are you going to do this question? But first of all, how are you going to convert a particular trigonometric ratio into another? So it's a very, very easy part. So let's say, suppose I have got a question like this, sine inverse 2/3. Now I need to convert this into cos inverse. Or I need to convert this into tan inverse. How am I going to convert this? Very simple. Let this 2, because aapko malum hai, what is the formula of sine theta? Sine theta should be equals to perpendicular upon hypotenuse, or jisko state board ke andar bolo bolte hain, that is opposite upon hypotenuse, correct? So that means aap jaan bujh karke isko maan lena that this is sine theta. To abki baar ye kya ho jayega? This is 2. This is 3. So, यहाँ पर यदि आपने एक ट्राइंगल बनाया, सो देन दिस 2, सपोज कर लो ये रहा आपका डिग्री, दिस 2 इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विच इज द ऑपोजिट साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज विच इज 3. नाउ एज यू नो दैट इतने बार एड चलता रहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो दैट मीन्स दिस इज 2, दिस इज 3, करेक्ट? तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, 9 minus 4 is root 5. So you have got now the adjacent side is root 5. अब आपको यदि sine inverse को cos inverse में change करना है, simply write like this. Cos inverse, formula क्या होता है cos का? Adjacent side upon hypotenuse or base upon hypotenuse. So what is base? Base is root 5 upon hypotenuse. What is hypotenuse? Root 3. That's all is the answer. No, sir, I need to convert it into tan inverse. Very simple. Tan inverse, tan ka formula kya hota hai? Perpendicular upon hypotenuse, sorry, perpendicular upon base, or you can write that is opposite side upon the adjacent side. So what is perpendicular? Perpendicular was 2. What is the base? Adjacent side, abhi hum logo ne nikala tha, and that was root 5. And that's all is the answer. So that means जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा, सपोज साइन इनवर्स 2/3, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू, बाय द वे, अराउंड 4 मोर फॉर्मूलाज, देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द जनरल सॉल्यूशन, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड अप दिस टॉपिक. इट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, देर आर हार्डली एनीथिंग. अभी जो आपका गलत जाएगा गाइज, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, प्लीज गलत मत करना. थैंक यू गाइज सो मच. टुमारो विल बी एंडिंग अप दिस वन. सी या, बाय. And guys, yeah, I'm so sorry.
बिफोर बाय द वे सेइंग व्हाई, मेक श्योर दैट यू कीप ऑन कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. जो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये बिल्कुल टाइम पास चल रहा है, सिलेबस खत्म होगा, एग्जाम्स नहीं होंगे, बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं होगा. सो गाइज, व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज प्लीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में भी आते हैं काम में. प्लीज गाइज, कंप्लीट इट फॉर योर एनसीईआरटी बुक, इट विल हेल्प यू आउट. द स्टेट बोर्ड गाइज, प्लीज डू कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2 एंड द लास्ट एक्सरसाइज एंड द मिसलेनियस इफ पॉसिबल. ओके, सी यू गाइज फ्रॉम माय साइड. चीयर्स, बाय.